दीदी बोल दे यार, ऐसे मत कर दे कि तू तो बोल भी न रही। क्यों बोलूं मैं? बता देना बना रही कि ना बना रही। चौकी ना तुम्हारे घर में बैठने को छोड़ी बहुत है तुमने। क्यों देखे पेठो काटने बैठ गई? अब मैंने रुक गई कि मोमोज बना दे, अब मैं अभी कह रही हूँ बना ले। चलो पढ़ो तेरे मोमोज का। दीदी मेरे मैंने सदा मोमोज बनाई है, मोमोज की दुकान ही मेरी फर्स्ट। चौकी ले लूँ नया तू बना ले। नाते तो पर है आते हैं, मैंने तो परसों नहीं बनाए थे। गैस ब्लॉग चलते ही आवाज बदल गई। परसों नहीं बनाए थे मैंने। इतना अच्छा नहीं लगता ना ऐसे गवारों की तरह बोलना। चलो आज बना रही है पेठे की सब्जी। यार मैं इनसे कह रही हूँ बना लो मोमोज, बट ये फिर भी नहीं सुन रही, मतलब ना सुन रही मेरी बात। पेठे की सब्जी और दो रोटी खाकर चुप सो जा। दीदी ये अच्छी बात ना तुम्हारी, पहले सपने दिखाओ और फिर तोड़ जाओ उन्हें। ये देखो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारा काम है। तो पता सब्जी बनानी दीदी, मैं मदद करूंगी। छोटे बहुत सारे कॉल दीदी, मैं मदद करूंगी तेरी मदद। मदद ही तो करेगी, बना के खवाएगी। तो मैं कहीं मिर्च को चार डाल लो उना डालो तुमने, मिर्च को चार डाल। और मैंने कहीं मोमोज बना लो उना बनाई तुमने। तो क्या अब तो क्या मेरे नसीब में ये पेठे की सब्जी है? पेठे की सब्जी तो कहा आज मैं या सीताफल ही खाऊंगी। सीताफल को तीवन दीदी। हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं हूँ मीनू नागर, एक बार फिर से मीनू नागर फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? तो शाम के बजे हुए हैं 8:30 और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे हम खाना वगैरह बनाने के लिए। और गाइस सर्दियों में ना दिन इतना छोटा होता है, पता ही नहीं चलता है आजकल तो। और एक तो धूप वगैरह भी नहीं निकल रही है, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऊपर से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश ने भी ये ले रखा है, सुबह को पूरे पूरे दिन बारिश हो रही है। यार कोई बात है बारिश की भी, एक तो सर्दी ऊपर से बारिश, और ऊपर से ये दोनों बहनें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि दी आज मोमोज बना ले। और मनीषा ने तो ठान ही ली कि दी से आज मोमोज बनवाने ही बनवाने हैं। तो आज मैं भी आज पहली बार बना रही हूँ मोमोज, तो उसके लिए मैंने ले लिया एक कटोरी मैदा और इसमें डाल लिया थोड़ा सा रिफाइंड और थोड़ा सा नमक। तो हम इस मैदे को लगा के रख लेंगे। और हमने उससे पहले ना खाना बना के रख दिया है, रोटियां बन चुकी हैं और पेठे की सब्जी बनाई थी आज। तो जब बारिश होती रहती है तो ऐसे रोटी वगैरह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाता है अंदर से मन को भी, इसको मन को भी चटपने खाने की सी लगती है कि जैसे चटपने खाओ बारिश होते ही। इधर दो बूंद पड़ी नहीं है कि बारिश में ये लगने लगता है कि कुछ ना कुछ चाट पकौड़े खा लीजिए। सो हमारे घर में भी यही हाल है सबका। तो पहले गाइस रोटियां बना के रख दिया, फिर उसी परात में मैंने थोड़ी सी मैदा ले लिया कटोरी और ये लगा के रखी है अभी। तो बच्चों का भी, बच्चों को पता चल जाए कि एक बार कुछ बन रहा है घर में तो बच्चे भी शोर मचाने लगते हैं, मम्मा जल्दी बना लीजिए जल्दी बना लीजिए। तो उसके लिए हमने ले लिए सब्ज़ी, जितनी भी सब्ज़ी रखी थी। हमारे यहाँ पर बाज़ार लगा था शुक्रवार बाज़ार को, सारी सब्ज़ियाँ इकट्ठी आ जाती है एक हफ्ते की। हाँ बीच में कुछ चाहिए होता है तो सब्ज़ी वाले आते हैं उनसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे गोभी थी, गाजर थी, जो भी सारी सब्जियाँ थी हमने सारे ले लिए, इनको अच्छे से धो लेंगे। और थोड़ी सी अदरक ली है और 3-4 जो लहसुन के हैं इनको अलग कसेंगे, मतलब कद्दूकस करेंगे। सारी सब्जी जितनी भी है इनको सबको तो जी जितनी भी हमारी सब्जी थी हमने सबको कद्दूकस कर लिया है। दो हरी मिर्च ली थी जो अचार वाली, ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं थी, वो भी बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा हिसाब में थोड़ा देख के ही बनानी पड़ती है हर चीज़ें। तो ये थोड़ी हरी मिर्च हमारी अचार टाइप थी, तीखी नहीं थी इतनी ज़्यादा। और जितनी भी सब्जियाँ थी सारी हमारी कद्दूकस हो चुकी हैं।
और गाइज आप सब हमारे व्लॉग देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबकी इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स आती हैं व्लॉग पे। इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, बहुत अच्छा लगता है देख के जब आप सब इतना सपोर्ट करते हो हमें। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए गाइज। और ये देखिए हमारी सब्जियां कस के तैयार हो चुकी हैं, फिर उसके बाद मैं चढ़ाऊंगी इस पे कढ़ाई गैस के ऊपर, फटाफट से कढ़ाई रख देंगे और उसमें डालेंगे 2-3 चम्मच के गाइस। 2-3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है रिफाइंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और अदरक का जो हमने कद्दूकस किया था उसको डाल दिया है ऊपर से। जो भी हमारी ये सारी सब्जियाँ थी इनको हम निचोड़ लेंगे पानी को अच्छे से, ताकि ये बाद में पानी ना छोड़े, हमारे मोमो पर ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको सारी जितनी भी मतलब सब्जियाँ थी सबको कस लिया है, कसने के बाद सबको निचोड़ लिया है बारी बारी। और अभी मैंने इसमें पनीर नहीं डाला है, पनीर और मिक्स हल्की हल्की फ्लेम करके और इनको करेंगे फ्राई थोड़ा थोड़ा। और इसमें जो भी हमारे घर पे बेसिक से मसाले वही मैंने धनिया डाला है, थोड़ा सा धनिया, लाल मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा सब्जी का मसाला, 2-3 चीज़ मैंने इसमें डाली है, थोड़ा सा चाट मसाला। और ये डाल रही हूँ मैं इसमें पनीर कद्दूकस करके, ग्रेट कर दिया है मैंने उसे, तो ये हमने इसमें पनीर मिक्स कर दिया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में भी। जो हमारी स्टफिंग थी मोमोज़ की बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये पनीर डल गया है कि और भी इसका टेस्ट बढ़ चुका है गाइस। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी ये पिट्ठी बनकर तैयार हो चुकी थी। और करते अब हम अपने मोमो बनाने की तैयारी। तो ये इस तरीके से हमारी गोल भी बना के देखे थे हमने, और वो जो थोड़े से लंबे टाइप में होते हैं वो भी बना के देखे थे। तो दोनों तरह के ही हम दोनों बहनें बनाने लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं बनाकर। तो देखते हैं अभी इनका स्टीम वगैरह देना रह गया है, जो स्टफिंग वगैरह थी ये तो काफ़ी अच्छे से बन। तो देखिए जी हमारी काफ़ी अच्छे से मोमो बनकर तैयार हो चुकी हैं। वाओ बहुत ही अच्छी लग रही है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से हमारी मोमो बनकर तैयार हो चुकी है। सो गाइस इसी तरह से बारी बारी हम इनको स्टीम देते रहेंगे, अभी बची हुई हैं काफ़ी सारी, तो इसी तरह से हम इनको स्टीम देते रहेंगे बारी बारी।
और ये तैयार हो चुकी है और बच्चों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है कि मम्मा मुझे पहले मुझे पहले, और ये थोड़ी थोड़ी करके बार बार बन रही है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये देखिए जी मोमो की चटनी, अगर आप मोमो की चटनी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो वो भी मैं किसी दिन डाल दूँगी। इसकी रेसिपी हम नहीं डाल पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, बनाते बनाते बहुत थोड़ा सा टाइम तो खैर लगता ही अगर कोई चीज़ बनाने लगते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से रुपयों में हमारी बहुत सारी मोमो बनकर तैयार हो चुकी थी, बहुत ही कम बजट में। अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो 70-80 रुपये की एक ही प्लेट मिलती है, फुल प्लेट 70-80 रुपये की आती है कम से कम, लेकिन ये हमारी कुछ ही रुपये में बनके तैयार हो गई। 10-15 रुपये में हमारी मोमोज बनकर अच्छे से तैयार हो चुकी है क्योंकि मैंने 10 ही रुपये की मैदा इस्तेमाल किया है इसमें। बाकी सब्जी वगैरह तो यही आपने देखा है कि घर पे आके रखी हुई है, घर में ही मुझे कुछ भी मंगवाने की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ी, सारी चीज़ मेरे घर पर ही थी तो ज़्यादा कुछ खर्चा वगैरह नहीं आया और बहुत ही टेस्टी सी हमारी मोमो बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसी लगी, बहुत ही अच्छी लगी है, कोई जवाब ही नहीं है, इतनी टेस्टी लग रही थी। ये देखो टीवी और मोमोज एंजॉय करते हुए मम्मी बहुत टेस्टी है, बार मैंने देखा तो आप जितने मतलब शॉप मतलब जो टेस्टी बनाना सब क्या टेस्टी बना रहे हैं, सबसे भी बढ़िया है। अच्छा जी सर भाई साहब तू तो बहुत ही बढ़िया है, मोमोज पास कर दिए बच्चों ने, इतने टेस्टी लग रहे हैं ना। थैंक यू बेटा खाओ बस। ओके बेटे थैंक यू। नहीं नहीं सब मिल गए अपने रहना कोई भी क्या, मैं कुछ नहीं बोल सकती। हेलो गाइस तो मैं कर रही हूँ मोमोज एंजॉय और आप भी खा लो बहुत टेस्टी बने। घर पे बनाए हैं नेहान खा रही है दीदी और मैं बाहर खा रही हूँ नेहा सीरियल देखते हुए। कितने नंबर देने चाहोगे आज के मोमोज में? 100 बिल्कुल एक भी कम नहीं। नेहा ने खा पी के अच्छे बन रहे मुँह जल रहा है ये मेहनत है हम दोनों बहनों की, लेकिन फिर भी मनीषा से पूछना चाहूंगी कितने नंबर देगी मनीषा जी। मैं तुम्हें 100 में से 100 देती हूँ बहुत टेस्टी बन गए हकीकत में, इतने टेस्टी मोमोज बन रहे मतलब कह देना कि एक चीज में फर्क हो जाए दुकान की और घर की हो, लेकिन इसमें 19-20 का भी फर्क ना हो। गुड, हालांकि हमारी दुकान पर बने हैं लेकिन हमने अपनी दुकान से नहीं मंगवा के घर पे बनाए मोमोज, मतलब विदाउट दुकान के सामान के बगैर घर से बनाए। तो जी इस व्लॉग का हम करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे 11:30 बज गए हमें आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, प्यारे से व्लॉग के साथ। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हर व्लॉग पे कमेंट किया करें कि कैसे लगते हैं आपको हमारे व्लॉग। तो अभी हम मोमोज बना के निकलते हैं और टाइम 11:30 बज चुके हैं और अभी हमारे कपड़े धुल रहे हैं, नया कपड़ा धो रही है और अभी आप सब कमेंट करके बताया करो तभी तो हमें पता चलेगा हमारा ब्लॉग कौन कौन देखता है, तो सब ब्लॉग भी कमेंट करो ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन बहन देखती है हमारे कमेंट, कौन कौन भाई देखता है, सबको हमें पता हमारे ब्लॉग कौन कौन देखता है। तो अभी बर्तन पड़े हुए बहुत सारे और कपड़े धुल रहे हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन भी डालना कि कहाँ से देखते हैं।